इस वीडियो में मैं 10 इंग्लिश के कम्प्लेक्स सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। पाकिस्तान सेलिब्रेट्स द 76th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस टुडे इन एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी। पाकिस्तान आज अपनी आज़ादी की 76वीं सालगिरह सियासी गैर यकीनी और मुआशी कमज़ोरी के माहौल में मना रहा है। इट कॉन्फ्रंट्स मल्टीपल इंटरकनेक्टेड चैलेंज विच हैव ओवर द डेकेड्स बीन फीडिंग ऑफ एंड री इन्फोर्सिंग ईच अदर इन एन अनब्रोकन साइकिल। ये मुतअद्दिद एक दूसरे से जुड़े हुए चैलेंजों का सामना करता है जो कई दहाइयों से एक दूसरे को एक ना टूटने वाले चक्कर में पालते और मजबूत करते रहे हैं। दे इंक्लूड द स्ट्रक्चरल क्राइसिस ऑफ द इकोनमी, इरोजन इन द स्टेट्स इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, परसिस्टिंग एजुकेशन डेफिसिट, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज। इनमें मुईशियत का साख्ती बुरान, रियासत की इदारा जाती सलाहियत में कटाव, तलीमी खसारा बरकरार रहना, आबादी में बेकाबू इजाफा और मौसमियाती तब्दीली शामिल हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस आल्सो परसिस्ट विद एन अनस्टेबल अफगानिस्तान ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर एंड अ हॉस्टाइल इंडिया ऑन द कंट्रीज ईस्टर्न फ्लैंक। मगरबी सरहद पर एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान और मुल्क के मशरकी किनारे पर एक दुश्मन भारत के साथ भी सिक्योरिटी चैलेंजेस बरकरार रहे हैं। दिस इज़ अ मोमेंट फॉर इंट्रोस्पेक्शन एज वेल एज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। ये खुद शनासी के साथ साथ मुस्तकबिल के बारे में सोचने का लम्हा है। पाकिस्तान्स हिस्ट्री शोज दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव स्पेंट अ गुड डील ऑफ टाइम फायर फाइटिंग इन क्राइसिस मैनेजमेंट मोड। पाकिस्तान की तारीख बताती है कि आने वाली हुकूमतों ने क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में आग बुझाने में काफ़ी वक्त सरफ किया है। द कंट्री हैज़ बीन सो मायर्ड इन वन क्राइसिस आफ्टर एन अदर दैट लॉन्ग टर्म प्लानिंग हैज़ बीन इल्यूसिव। मुल्क एक के बाद एक बुरहान में इस कदर फंस गया है कि तवील अलमुद्दती मनसूबाबंदी बेकार रही है। सो हैज़ थिंकिंग अबाउट ड्यूरेबल वेज टू एड्रेस द कंट्रीज चैलेंज एंड इंश्योर अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर पीपल। लिहाजा मुल्क के चैलेंजों से निपटने और लोगों के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के पायदार तरीकों के बारे में सोच रहा है। True that Pakistan has withered many storms and crises in the past. ये बात सच है कि पाकिस्तान ने माजी में कई तूफानों और बहरानों का सामना किया है। Its resilience has never been in doubt. इसकी लचक पर कभी शक नहीं रहा। This enabled it to overcome its troubles of the time. But present day system challenges are fundamentally different. इसने इसे उस वक़्त की अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के काबिल बनाया, लेकिन मौजूदा निज़ाम चैलेंजेस बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हैं। दे आर द क्यूमुलेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेकेड्स ऑफ मिस गवर्नेंस एंड स्क्वैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज़। ये कई दहाइयों की गलत हुक्मरानी और ज़ाया होने वाले मौके का मजमूआ नतीजा है। These problems can no longer be kicked down the road. इन मसाइल को मज़ीद सड़क पर लात मारी नहीं जा सकती। All need to be tackled simultaneously if Pakistan is to move forward and embark on a path of economic and political stability and prosperity for its people. अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और अपने अवाम के लिए मुआशी और सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामजन होना है तो सबको एक साथ निपटना होगा। ये थे 10 कम्प्लेक्स सेंटेंस जिनका मैंने उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।